तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल में, एंड्रॉयड में ज़्यादा कर आती है। तो दोस्तों अगर एंड्रॉयड में आपको इस हिसाब से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मेरे सामने ये फेस हो गई थी, यहाँ पे देखिए मैं जिस हिसाब से वॉल्यूम को कम कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक बढ़ी जा रही है। देखिए मैंने सबको कर दिया और ए गैली यानी कि बढ़ जा रही है, ऑटोमेटिकली ओवर हो जा रही है। देखिए फिर से हो गई। दोस्तों ये प्रॉब्लम मुझे कब फेस हुई, मैं बाहर गया था तो मैं कार में बैठा था, मैंने ब्लूटूथ अपना कनेक्ट किया था यानी कि कार के डिवाइस से, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट करना भूल गया और मैं डायरेक्टली आ गया और उसके बाद ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इसको फिक्स कैसे किया जाए, देखिए दो रीज़न है। सबसे पहले तो बंदा रिस्टार्ट ही मारता है, ऑफ करके ऑन कर लेता है, ठीक है, तो वो तो मैंने कर लिया ऑलरेडी। अब उसके बावजूद भी ना सही हो तो हमें कुछ चीज़ों को अभी कुछ टाइम के लिए यानी कि हटाना होगा, जैसे कि हमारा, जैसे कि हमें यहाँ पे जाना है, जैसे कि ब्लूटूथ में, ब्लूटूथ में जितनी भी परमिशन हम अलाउ करते हैं उसे हमें हटा देना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, आपको दिखा रहा हूँ, आप इस तरह से हटा भी सकते हैं। तो अगर इसके बाद देखिए कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप चेक कर सकते हैं, बट दोस्तों आ सकती है प्रॉब्लम क्योंकि जब मोबाइल ऑफ ऑन करने से नहीं गई तो ऐसे कैसे जाएगी। बट दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर अभी ये प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब मैं फिर इसको बंद करता हूँ, खोलता हूँ, ये देखिए दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम अब पूरी तरह फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। मैं दोस्तों अगर इस तरीके से भी ना हो तो आप अपने 3-4 बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए रिस्टार्ट में क्या होता है ना, रिस्टार्ट में वो ऑटोमेटिक उठता है बट स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने में बिल्कुल सही जाता है। तो अब इस तरह करेंगे ये प्रॉब्लम भी आपकी फिक्स हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर होकर और बेल आइकन को भी दबा